कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो है ये गर्म सूट है सर्दियों के लिए, ये 9 साल की बच्ची के लिए जो है फुल पटियाली जो है सलवार कुर्ती निकालूंगी, तो किस तरह से निकालूंगी वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो हमारे हमें जो इसकी जो लेंथ प्रपेयर जो है 32 इंच चाहिए, और इसमें हिप जो है इसमें हिप पीस जो है इसमें 28 इंच है, तो हम हिप के अकॉर्डिंग जो है कपड़ा लेंगे। तो हिप 28 इंच है तो सॉरी हाँ 28 इंच है तो हम इसमें जो है इसका चौथाई भाग जो 7 आया, और 7 में जो है प्लस सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, यानी कि 8.5 इंच। तो 8.5 इंच लेंगे तो 8.5 इस तरह से हम इसे डबल करेंगे, और जहाँ पर हमारा ये देखिए ये एक पल्ला हो गया, इसके अकॉर्डिंग दूसरा पल्ले की इस तरह से हम कपड़े को अच्छी तरह से बिछाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा 17 इंच चौड़ाई में कपड़ा आ गया है, तो हम पूरा जो है 17 इंच ही नीचे को चौड़ाई में कपड़ा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 17 इंच जो है हमने चौड़ाई में जो है पूरे में कपड़ा ले लिया है। अब हम इसे एक और लहर में डालेंगे इस तरह से, इस तरह से जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी हमने हमें 32 जो है तैयार चाहिए, तो हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि 35 ले लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि गर्म कपड़ा है तो इसमें जो है छोटा भी हो जाता है। अब हम इसमें शोल्डर लेंगे तो शोल्डर 12 है तो हम इसमें 6 इंच ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और आर्मोल के लिए 6.5 इंच लेंगे, आधा इंच की हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे, और 2.5 इंच गला आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 2.5 इंच लेना है इसमें, मैंने इसमें क्योंकि बैन पट्टी वाला बंद गला बनाना है, और ये 1/2 इंच की इसमें शेप दे दी। अब ब्रेस्ट जो है हमारे पास इसमें 26 है, तो उसका चौथाई भाग जो है हमने 6.5 इंच ले लिया, और इस तरह से इसमें निशान लगा दिया। अब नीचे के लिए आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इसमें जो है कम से कम 12 इंच ले रही हूँ, और मैंने हिप जो है 28 लेना है, तो 7 इंच पर मैंने इस तरह से इसमें निशान लगा देना है, और इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा दिया। और यहाँ से हल्की सी गोलाई डालनी है, आगे की गोलाई डालने की ज़रूरत नहीं है बेबी के लिए, अगर डालनी है तो 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं डालनी है। इस तरह से मैंने इसकी जो है ये जो ड्राफ्ट बनाया इसकी कटिंग कर देनी है। ओके, ये जो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है, और यहाँ पर हमने जो है 3 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, तो 3 इंच पर हमने हल्का सा कट लगा देना है, ताकि फोल्ड करने के लिए हमारे आसानी रहे। इस तरह से जहाँ पर 3 इंच आया वहाँ पर हमने यहाँ पर हल्का सा कट लगा देना है, और हल्का सा यहाँ पर 1 इंच पर लगा देना है। अब इसमें जो है आप चाहे तो इस बैक के पार्ट को अलग करके हल्की सी शेप जो है फ्रंट में दे सकते हैं आर्मोल के पास इस तरह से। और गला में बाद में ही बैन पट्टी वाला काटूंगी। अब हमने जो है इसमें बाजू है हमारे पास 18 इंच है, ऑफ बहुत ही है 17 इंच होनी शायद तैयार बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो चौड़ाई में कपड़ा बचा है इससे जो हम पट्टे निकालेंगे इस तरह से देखेंगे। ये जो है 9 इंच है, और हमें पौंचा भी इसमें जो तैयार जो 4.5 इंच चाहिए। तो हमारे पास जो सलवार है वो 30 इंच है, तो 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, तो हमारे पास हो गया 32 इंच। तो पट्टी हम बेल्ट इसमें निकालेंगे, बेल्ट जो कम ही 3 इंच तैयार करेंगे, तो 4 इंच लेंगे इसमें बेल्ट के लिए कपड़ा, क्योंकि हम बिल्कुल छोटी बेल्ट बनाएंगे इसमें। तो 32 में से हम जो है 4 लेस कर देंगे, उसके बाद हमारे पास जो है 28 रहा। तो जहाँ पर हमारा 28 आता है वहाँ पर हमने जो 27 इंच है देखिए पूरा 27 इंच जो है हमने इसमें पट्टे के लिए कट दिया, अलग से कट पीस कर दिया, क्योंकि 5 इंच ले लेते बेल्ट, 4 इंच बहुत कम लग रहा है मुझे। इस तरह से पट्टे अलग से हमने इनकी कटिंग कर देनी है। ये हमने सलवार की पट्टियाँ निकाल दी है जो फ्रंट में लगती है। अब हमने सबसे पहले बाजू जो 17 इंच तैयार निकालनी है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उसके बाद जो हमने इसमें कलियाँ निकालनी है। 2 मीटर कपड़ा है, देख रही हूँ कि पूरी भी निकलेगा इसमें कि नहीं। इस तरह से पहले हमने सबसे पहले इन्हें डबल लहर में करना है इस तरह से,
आपके पास कम कपड़ा है तो कोई बात नहीं, इसमें भी निकल सकता है, उसमें आप बेल्ट में और कपड़ा ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ तक हमारा है, सबसे पहले हम कलिए ही निकाल लेते हैं, उसके बाद बाजू निकालेंगे। ये हमने डबल कपड़ा लहर में कर दिया है कपड़ा। अब हमने जो इसमें सबसे पहले यहाँ से जो है फ्रंट की पहले दो कली निकालनी है, उन्हें ऊपर से रखकर दूसरी और निकालनी है, चार कली निकलेगी। तो जहाँ पर हमारा 27 इंच आ जाएगा वहाँ पर हमने इस तरह से इसमें निशान लगाना है। आपने देखा वो हमारे पास जो 9 इंच था पट्टा, तो उसमें जो हमारे जो 4.5 इंच तैयार आ गया, तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है मार्जिन के लिए। तो जहाँ पर हमारा 1.5 इंच आ गया वहाँ से हमने इस तरह से निशान लगाना है। बेल्ट हमने 5 इंच रखनी है, तो हम 6-6.5 इंच थाई के लिए यहाँ से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 6.5 इंच जो है यहाँ से रख सकती हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना जो है इसका तीसरा भाग रखना है सलवार का। और इस तरह से हमारी जो है एक कली इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है, ये हम इसकी यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ओके, यहाँ पर थाई के पास हल्का सा हम इस तरह से कट लगा देंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। जहाँ पर हमारी ये दूसरी आ जाएगी कलिए, वहाँ तक हम इस तरह से इसे रखेंगे, तो हमारी जो है सलवार की कलिए भी बिल्कुल आसानी से निकल गई। इस तरह से हम इसे इसकी कटिंग कर देंगे और हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा। यहाँ से कली का जो ये कपड़ा इसे जो हम यहाँ से डबल है, तो इसे इसकी कटिंग कर देंगे। हमारे पास जो है 2 मीटर कपड़ा था, तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं बहुत कम कपड़ा बचा हुआ है, तो बाजू के लिए शायद बहुत कम हो रहा है। बेल्ट हम दूसरे कपड़े की लगा सकते हैं, तो हम इस तरह से भी जहाँ से भी हमारे को लग रहा है कि यहाँ से तैयार हो जाएगा वहाँ से हम ले लेंगे। जिस तरह से बाजू 17 तैयार चाहिए हमें, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने, 18 इंच ले लिए। और इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। हमने ज़्यादा कपड़ा मार्जिन के लिए नहीं रखा है क्योंकि हमारे पास कम कपड़ा, और इस तरह से हम इसमें दूसरा कपड़ा ऐड करेंगे। और बेल्ट जो है हम गर्म सूट की कोई भी लगा देंगे इसमें। अब हम इस तरह से इसे जो है, ये देखिए आपने ध्यान से देखना है कि ये हमने सीधा रखा है कि उल्टा। हमने सीधा रखा है तो हमने दूसरा कपड़ा भी इसी तरह से सीधा रखना है, और इस तरह से इसमें यहाँ से ये देखिए इस तरह से रखना है, और ये हमारी कलिए बन गई। यहाँ से 2.5 इंच रखना है, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से इसमें 2.5 इंच की शेप दे देनी है। जहां पर हमारा 17 इंच आ जाएगा वहां पर हमने इस तरह से निशान लगाना है, और 5 इंच यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रख दिया है। 4 4.5 3 4.5 इसमें हमने जो है बाजू की फिटिंग रखनी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में जो है हम बच्चों के लिए कपड़े अंदर से बहुत पहना रखते हैं, तो इसमें बाजू हमारी बिल्कुल खुली ही बनेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से जो है छोटी बच्ची का जो है सलवार कुर्ता जो है सर्दियों के लिए हमने इसकी कटिंग कर दी। और यहाँ से हमारा डबल है, यहाँ से भी हम इसे जो है इस तरह से इसे सिंगल कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने जो है सलवार कुर्ते की जो है कटिंग कर दी। आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके लिए हम बेल्ट जो है दूसरे कपड़े की लगाएंगे, वो कोई भी आप गर्म कपड़ा ले सकते हैं, वो भी हिप प्लस 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। जैसे 28 इंच हिप है, तो उसमें जो हमने 14 इंच यहाँ पर हमारा 14 इंच होगा इसका डबल, और फिर इसमें हम 1 2 3 4 18 इंच जो है हम बेल्ट लेंगे, और जो लंबाई है उसकी हम 5 इंच लेंगे। इस तरह से हम इसकी जो है कटिंग कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉच मी।